दोस्तों, ये है मेरा ग्रो अकाउंट और आप देख रहे हो कि मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ। बट मैं लॉगिन कैसे करूँगा क्योंकि मेरा पिन मैं भूल चुका हूँ। अब थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो जाती है कि पिन भूल गया हूँ तो क्या करूँ। देखो, मेरे पास ऑप्शन है कि यूज़ फिंगरप्रिंट में कर लूँ, बट बहुत सारे लोगों ने फिंगरप्रिंट नहीं लगाया होता, फेस आईडी नहीं दी होती, तब ये पिन थोड़ा सा मुश्किल दे देता है। तो चलिए शुरू करता हूँ और बताता हूँ कैसे रीसेट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि भाई पिन गलत है, तो आपको एक अटेम्प्ट मारना पड़ता है कि आप गलत पिन डालो। गलत पिन जैसे ही आप डालोगे ना, यहाँ पर पहले आ जाता है कि आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, वरना ये आधे घंटे के लिए लॉक होता है। अब मैंने 3 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है, रीसेट पिन का ऑप्शन आपको आ जाता है क्योंकि आप भूल चुके हो। तो आप रीसेट पिन का बटन दबाएंगे। अब रीसेट पिन के बाद बोलता है सेटअप ग्रो पिन। तो देखो, टू कीप योर फाइनेंसेस सिक्योर विल आस्क फॉर दिस पिन एवरी टाइम यू ओपन द ऐप। मैं बता दूं आपको, चाहे आप किसी ब्राउजर में खोल रहे हो, एप्लीकेशन में खोल रहे हो, पासवर्ड आपने चेंज कर दिया, सब कुछ आप कर सकते हो, पर ये पिन आपको जरूरी होता है। तो अगर ये पिन भूल गया हो तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, और रीसेट के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिस पर ओटीपी आती है। मैं करके बताता हूँ। देखिए, ये एक मैंने पिन डाल दिया, ये बोलेगा वेरीफायर ग्रो पिन विद ओटीपी। ओटीपी आया, कंफर्म करूंगा, ग्रो पिन मेरा हो गया। अब मैं वापस लॉग इन करूंगा, अपना पिन डालूंगा जो अभी मैंने चेंज किया, और मैं लॉग इन हो गया। लेकिन बहुत बार ये हो सकता है कि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, खो गया है, तो ऐसे समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आप पिन भी भूल गए हो और मोबाइल नंबर भी खो गया है। अगर पिन याद है तो फटाफट जाके मोबाइल नंबर चेंज कर देना, उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। लेकिन अगर पिन याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ऑप्शन ग्रो छोड़ता है कि आप यहाँ पर जाएं, ग्रो हेल्प टाइप कर लेना, और यहाँ पर देखिए ग्रो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आ जाता है, इस पर आप चले जाना। ये बोलता है यहाँ पर आपको मिलेगा support@grow.in, ये ईमेल एड्रेस और कॉलिंग एड्रेस भी मिलता है कि +91 इंडिया कोड डालेंगे 9108800604, इन पर आप कॉल कर लीजिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो आप इस पर कॉल कर लीजिए या फिर ईमेल पर उन्हें अपनी व्यथा लिखकर बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ, पिन भी आप भूल गए, नंबर भी नहीं है, तो लोग आपको हेल्प करेंगे कि आपका अकाउंट आप तक पहुंच सके या आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा कोई और नई कड़ी नहीं है, ये आई थिंक सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ भी है कि कोई भी अपने आपके अकाउंट को इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।